दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों को आई विश यू हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का एक पवित्र त्यौहार जहां पे एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, बदले में उसे गिफ्ट उपहार मिलता है और साथ ही साथ उस भाई की तरफ से वादा किया जाता है, उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहना है, हर सुख दुख में उसका साथ देना है, उसकी रक्षा करनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, एक कहानी जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया और हमेशा मेरे, अब कभी भूलती नहीं वो कहानी, हमेशा मेरे विचार में वो कहानी रहती है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, एक इंसान था जो अपने वक्त का बहुत ही पापी इंसान था, बहुत ही उसने गलत अमाल किए थे, गलत काम किए थे, बड़ा ही पापी था, उसका मन के विचार बड़े ही गंदे थे और उसे उस चीज़ का एहसास था। तो उसने पश्चाताप करने के लिए, अपने गंदे कामों बुरे ख्यालों को छोड़ने के लिए सोचा कि अब सन्यासी जीवन में जीता हूँ। एक उस वक्त के जो धर्म गुरु थे उनके पास वो व्यक्ति गया, उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से बड़ा ही दुखी हूँ, मैं इन मन के गलत विचारों को दूर करना चाहता हूँ और आज के बाद से सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसका स्वागत किया, कहा ठीक है, आज के बाद से आपको आश्रम में रहना पड़ेगा, जो भी दान दक्षिणा या भिक्षा मिलेगा वो खाना पड़ेगा, सादे वस्त्र पहनने पड़ेंगे और ज़मीन पे सोना पड़ेगा और एक साधु जीवन यानी कि एक सन्यासी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने पापों से इतना थक चुका था, परेशान हो चुका था, उसने कहा कि हे गुरुदेव, बस इस गलत विचारों को मेरे मन से निकाल दीजिए, जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा और मैं एक अच्छा सन्यासी जीवन व्यतीत करूँगा और एक साधु बन के रहूँगा। गुरुदेव के पास वो रहने लगा, उसके जीवन काफ़ी अच्छी चलने लगी, काफ़ी सुधार हुआ उसके मन में। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया और एक महीने में काफ़ी सुधार हुआ उसके मन के विचारों में और उसके जीवन में। एक महीने के बाद गुरुदेव ने उसे आज्ञा दिया कि आपको किसी दूसरे शहर जाना है, वहाँ पर एक घर है, वहाँ से आपको कुछ दान दक्षिणा या भिक्षा लेकर आना है और वो आज आपको घर तक वापस लाना है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया उस व्यक्ति ने और निकल गया घर से। एक महीने हो गए थे उसके सन्यासी जीवन के, तो वो घर से निकल गया वो दूसरे शहर जाने के लिए, पैदल ही उसको जाना था। तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे अपने पुराने दिन के याद आए कि क्या वो ज़िंदगी हुआ करती थी, क्या शान से खाना पीना ऐश घूमना हुआ करता था। तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, काश यार मुझे खाने में वो सारी चीज़ें, पकवान मिल जाता, खीर पूड़ी जो भी मिठाइयाँ होती हैं अच्छे से पकवान उसको मिल जाता, कितना मज़ा आ जाता। जो उसके मन में विचार आया और फिर आगे वो बढ़ता गया। जब वहाँ पहुँचा जिस घर में उसको जाना था, तो वहाँ पे कोई और तो नहीं था, बस वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की, एक कन्या वहाँ रहती थी। उससे उसकी मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं इस जगह से आया हूँ, गुरुजी ने मुझे आपको भेजा है। उस कन्या ने जो भी दान दक्षिणा रखे थे उसको दिया और जब वहाँ से वो जाने लगा तो उस कन्या ने कहा कि हे गुरुदेव, आप इतनी दूर से आए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ जलपान कर लीजिए। उस इंसान को उस कन्या ने वहाँ पे बैठाया और खाने के लिए वही सारी चीज़ें दी जो उसने अपने मन में सोचा था निकलते समय, जो भी खीर पूड़ी पकवान मिठाइयाँ जलेबियाँ रसगुल्ले जो भी उसने सोचा था, वो सारी चीज़ें उसको परोस दिया खाने के लिए। अब ये तो खुश हो गया कि अरे जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश करी थी वो मुझे खाने को मिल गया। मस्त भर पेट खाया, खूब खाया, खा पी के तो खा के खुश हो गया। फिर अब बारी थी निकलने की, इतना खाने के बाद आलस हो गया और सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर भी दूसरों के घर में वो कैसे आराम करता, क्योंकि गुरुदेव इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। तो वो उठा जाने को, और जैसे ही वो उठा जाने को उस कन्या ने कहा कि हे गुरुदेव, आप इतने दूर से आए हैं, थक हार गए हैं, खाना खाने के तुरंत बाद जाना सही नहीं होगा, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अब ये बंदा और खुश हो गया कि अरे यार आज तो मज़े ही मज़े हैं, आज जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो सही हो रहा है। बढ़िया से बिस्तर लगाया गया और इस सन्यासी जीवन में आने के बाद पहली बार उसे इतना अच्छा बिस्तर मिला था। वो दो तीन घंटे के लिए आराम से सोया और सो के खुशी खुशी अब जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा उसके मन में एक और आखिरी विचार आया कि यार जब इतना कुछ हो ही रहा है तो काश कि मुझे एक सुंदर वस्त्र दान में मिल जाता, एक सुंदर कपड़ा दान में मिल जाता, तो आज तो मेरे दिन ही बन जाते। बहरहाल वो मांग नहीं सकता था, क्योंकि सन्यासी जीवन में वो मांग नहीं सकता एक नए वस्त्र को, तो वो निकलने लगा। और जैसे ही निकल रहा था उस कन्या ने उसे जो भिक्षा की सामान थी वो दिया और साथ ही साथ एक नया वस्त्र दान में दिया और कहा कि हे गुरुदेव, ये हमारे घर की परंपरा है कि जब भी कोई भिक्षु हमारे यहाँ आता है तो हम उसे नया वस्त्र दान करते हैं। अब ये व्यक्ति परेशान हो गया कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, इतनी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। तो इससे रहा नहीं गया और इसने पूछ लिया कि हे बालिके, मुझे एक बात बताइए, ये जो भी तीन कार्य मेरे साथ हुए हैं, एक अच्छा खाना खाना और एक फिर आराम करने के लिए जगह मिलना, फिर नए वस्त्र, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी मैंने कल्पना करी थी, जिसका विचार मेरे मन में आया था और आपने तीनों चीज़ें पूरी कर दी, आखिर ऐसी क्या बात है।
अब यहाँ से इस कहानी का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से ध्यान सुनिएगा कि मैं ये कहानी आपसे बताना क्यों चाहता हूँ। जब इस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरे तीनों मन के विचार को पूरा किया, आखिर ऐसी क्या बात है, उस लड़की ने रिप्लाई किया कि हे गुरुदेव, हे भिक्षु, मुझ आप जिस गुरुदेव के पास से आए हैं, उस गुरुदेव ने मुझे एक वरदान दिया है कि मेरे सामने किसी व्यक्ति के मन में मेरे प्रति क्या विचार चल रहे हैं, उस विचार को मैं पढ़ लेती हूँ, उस विचार को मैं जान लेती हूँ, यानी कि मैं मन के विचारों को पढ़ लेती हूँ। जब यह बात उस व्यक्ति, वो भिक्षु को पता चला, उसके चेहरे से रौनक उड़ गया, वो परेशान हो गया, घबराने लगा, बेचैन हो गया। उसने सामान लिया, नया वस्त्र लिया और भागता हुआ वापस गुरुदेव के पास आया और आकर सीधे गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव से माफ़ी मांगने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दुनिया के किसी कोने में भेज दीजिएगा, जंगल में भेज दीजिएगा, शेर के पास भेज दीजिएगा, मुझे वापस उस कन्या के पास मत भेजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुदेव मुस्कुराए, गुरुदेव ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि तुम परेशान हो, क्या वहाँ तुम्हारे स्वागत में कोई कमी रह गई, कोई आव भगत में कमी रह गई, या तुम्हें दान दक्षिणा सही नहीं मिला, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम परेशान हो। उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत स्वागत वहाँ पर किया गया, मगर फिर भी गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजिएगा। गुरुदेव ने फिर थोड़ी सख्ती से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो। तो जो भी घटना हुई थी, उस भिक्षु ने, उस व्यक्ति ने गुरुदेव को बताया और कहा कि उस बालिका ने मुझसे कहा था कि वो मेरे सामने के व्यक्ति के मन के विचारों को पढ़ लेती है। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। बड़े ही लज्जित होकर और शर्मा के उस व्यक्ति ने कहा था कि वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि उसको देख के थोड़ी देर के लिए मेरे मन में गलत विचार आ गए थे, मेरे वही पुराने विचार मेरे मन में आ गए थे जिसको मैं हल करने के लिए, जिससे मैं दूर होने के लिए आपके पास आया था। तो बस थोड़ी देर के लिए उस कन्या को देख के मेरे मन में गलत विचार आ गए थे। तो यकीनन उस कन्या ने मेरे उस गलत विचार को भी जान लिया होगा कि यह व्यक्ति मेरे बारे में गलत विचार कर रहा है। वो लड़की जिसने मुझे इतनी आवभगत करी, इतनी अच्छी खाना दिया, इतना अच्छा आराम करने के लिए दिया और वापसी में एक वस्त्र दिया, उस नेक बच्ची के लिए मेरे मन में एक गलत विचार आ गए थे। इसके लिए मैं बड़ा ही लज्जित हूँ, बड़ा ही शर्मसार हूँ, मैं दोबारा कैसे अपनी शक्ल उसको दिखाऊँगा, इसलिए मैं बड़ा शर्मसार हूँ। गुरुदेव ने उसे उठाया और कहा कि हे बालक, यही तुम्हारी परीक्षा थी और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। एक लड़की जो तुम्हारे मन को पढ़ सकती है, तुम इतने लज्जित हो, और जब तुम अपनी ज़िंदगी में थे, न जाने हजारों कितने ऐसी बालिकाओं के लिए तुम्हारे मन में गलत विचार आते थे। ज़रा सोचो कि अगर ईश्वर सबके मन को ये शक्ति दे दे कि उसके प्रति जो विचार कर रहा है वो उसे जान सके, तो क्या तुम किसी और के बारे में ऐसा सोचोगे। तो यह आज से यही तुम्हारी सीख है और यही तुम्हारी सबक है कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में जब भी रहोगे, किसी के प्रति तुम क्या सोचते हो वह तुम्हारे मन को वो व्यक्ति पढ़ सकता है। इसी के साथ तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे, यानी कि तुम जिसके बारे में तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो उस व्यक्ति को पता है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तुम्हें इसी तरीके से आगे अपनी ज़िंदगी जीना है। तो उसे वहाँ से ये सीख मिली कि मैं किसी के बारे में जो भी सोचूंगा उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति के लिए कि मेरे मन में क्या विचार हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो यह सीख लेके वो फिर आश्रम में रहने लगा। थोड़े दिनों बाद दोबारा उसे उसी महिला के पास भेजा गया, तो वो शर्माते हुए वहाँ पे गया था, दोबारा उस महिला के पास गया था और फिर वहाँ से सही सलामत वापस आया था सारे अवभगत के बाद। फिर गुरुदेव ने पूछा कि बताओ अब क्या तुम्हारी समस्या है। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अपने पापों का पश्चाताप है, मुझे अपने कर्मों का पता है। इस बार मैं जिस शुद्ध मन से उसके पास गया था उसी शुद्ध मन के साथ वापस आया था, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि वो मेरे विचारों को पढ़ लेती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं आए। दोस्तों, इस कहानी को कहने का मकसद यही है, कहानी का सीख का मतलब यही है, और ख़ासतौर पर आज ये कहने का मतलब यही है कि रक्षाबंधन के दिन अगर हम सब ये सोचें, देखिए हम एक इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अगर हमारे मन में भी यह विचार हो कि जिसके प्रति मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो सामने वाले को पता चल जा रहा है, तो यकीन मानिए, मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ को अपने जीवन में करता हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके बस में नहीं है और आप कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत इस चीज़ का ख्याल करिए कि नहीं, उसे पता चल गया कि आपने उसके बारे में क्या सोचा है, और मन ही मन उस पाप का पश्चाताप करिए, मन ही मन उसकी गलती का एहसास करिए, क्योंकि जब आप उस गलती का एहसास करेंगे तो उस गलती के एहसास का भी उसको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा, लेकिन अगले ही क्षण उसने इस गलती का एहसास किया और पश्चाताप किया, तो इस पश्चाताप का भी उसको पता चल जाएगा। और यकीन मानिए, इस चीज़ को आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल तौर पे करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलेगी, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी चलेगी। तो ये एक कहानी थी जो मैंने कहीं देखा था, पढ़ा था, सुना था, और जिसको मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, और
सच में मैं आप इसको करके देखिए, आप प्रैक्टिकल देखेंगे। तो कहानी का सारांश यही है दोस्तों कि आप किसी के प्रति क्या सोचते हैं, आपके मन के विचार को अगला व्यक्ति जान जाता है। तो इस तरीके से आप जिंदगी, जो भी आपके आसपास है, रोड पे चल रहा है, शॉपिंग मॉल्स में, क्लासरूम में है, आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं दोस्तों, आपके मन के विचारों को वो समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने शुद्ध विचारों को लेकर आएंगे, और वह व्यक्ति जाने या ना जाने, वह व्यक्ति जाने या ना जाने, लेकिन वो ईश्वर, वो खुदा, वो रब, वो खुदा, वो अल्लाह तो आपके मन को जानता है। तो आप कैसे उसको अपनी शक्ल दिखाएंगे, कैसे उसके सामने खड़े होंगे, वो तो आपके मन को जानता है ना, तो कैसे आप किसी व्यक्ति के प्रति गलत ख्याल लेके आएंगे। बहरहाल इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन हमें उसका एहसास करना है और कोशिश करना है कि आगे गलतियाँ ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।